और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी सांसद और बंगाल के बड़े नेता दिलीप घोष का कहना है कि दो दिन पहले जब वहां पथराव हुआ तो वहां वो मौजूद थे। घोष कह रहे हैं कि शाम 5 से 6 बजे के करीब मस्जिद के पास से पथराव हुआ, यात्रा में भगदड़ मच गई। घोष का यह भी कहना है कि वो इलाका है जहां 12 सालों से लगातार रामनवमी के दौरान यात्रा निकलती रही है।